ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد एक लफ्ज है जिसको हम कहते हैं वही। हम लोग बोलते हैं कि कुरान करीम ये अल्लाह की वही है, कुरान करीम ये अल्लाह की वही है। ये वही क्या है और इसका काम क्या है, और इस वही को हासिल करने के लिए उम्मत के दाइयों ने कितनी मेहनत करी है ये समझाना, और आखिर में अपनी तकरीर के आखिर में आप हजरात की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश करेंगे। तो पहले इसको समझ लो। वही कहते हैं अल्लाह की जानिब से वो पैगाम जो उसके फरिश्ते अंबिया के पास लाते हैं, इसको वही कहते हैं। अल्लाह का जो भी पैगाम फरिश्तों के जरिए से अंबिया और रसूलों तक आता है उसको वही कहते हैं। उसके बाद में वही की दो किस्में बन जाती हैं, एक वही मतलू और एक वही गैर मतलू। वही मतलू का तर्जुमा है वो वही जो नमाज में पढ़ी जाती है जैसे कुरान, और वही गैर मतलू का तर्जुमा है वो वही, वो अल्लाह का पैगाम जो नमाज में नहीं पढ़ा जाता लेकिन अल्लाह की वही है, यानी हदीस। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वही मतलू यानी कुरान करीम के नाजिल होने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो तकलीफें आती थी उसको कोई बयान नहीं कर सकता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही कितने तरीकों से आती थी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 46 तरीकों से वही आती थी। कितने? 46। उसमें से एक तरीका था सलसलतुल जरस। सलसलतुल जरस का मतलब यह है आप ट्रेन की पटरी पर खड़े हो जाओ और एक मोटी जंजीर ले लो और उस ट्रेन की पटरी पर जंजीर को डाल करके खींचो तेजी से, तो खींचने में जैसे आवाज आ गई ना कट 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 कट, इस तरीके से अल्लाह के रसूल के पास ना आवाज सुनाई देती। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल के ऊपर इस तरीके से वही आती तो मैंने अपना कान अल्लाह के रसूल के जिस्म के करीब करा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मक्खी के भिनभिनाने की आवाज सुनाई देती। और जब इस तरीके से वही आती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी परेशानी होती। अम्मा मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल का चेहरा सख्त सर्दी के जमाने में पीला पड़ जाता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर पसीने की बारिश शुरू हो जाती थी। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा सरे मुबारक मेरी रान पर रखा हुआ था। अल्लाह के रसूल लेटे थे, आराम फरमा रहे थे, वही आना शुरू हो गई तो अल्लाह के रसूल के ऊपर जब वही के असरार हुए तो मैंने देखा कि आपके अंदर इतना बोझ हो गया कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी रान की हड्डी टूट जाएगी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऊंट पर होते और वही आना शुरू हो जाती तो वो वही ऐसे आती कि इतने बोझ के साथ आती कि अल्लाह के रसूल जिस ऊंट पर तशरीफ फरमा होते उस बोझ की वजह से वो ऊंट जमीन पर बैठ जाता। कितनी मुश्किल वही है ना। कभी कभी ऐसा होता कि किसी और तरीके से वही आती, मसलन फरिश्ता सामने से आता और सामने से आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम सुनाता और चला जाता। ये सबसे आसान तरीका था, अल्लाह के रसूल को इसमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ऐसा पूरी जिंदगी में 3 मरतबा हुआ। एक मरतबा गारे हिरा में, एक मरतबा मेराज में
और एक मरतबा और हुआ है कि आप अगर फोटो में देखते होंगे, काबे के सामने लंबी सी इमारत है जिसके ऊपर घंटा लगा हुआ है, मक्का टावर बोलते हैं, उसके दरवाजे के सामने से आप ऊपर चलेंगे तो ये ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक जगह है जिसको अजियात कहा जाता है। वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को देखा। आपने देखा होगा कि बारिश के ज़माने में बारिश बरसने के बाद में धनक लग जाती है, अब तो कई साल से नहीं देखी, ऐसे धनक लगी हुई थी और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस पर बैठे हुए थे। कभी ऐसा भी होता था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी इंसान की शक्ल में आते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही दे करके समझा करके चले जाते। मदीना मुनव्वरा में एक सहाबी थे, उनका नाम था दहियाए कलबी। वो बहुत हसीन और खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि बाद उलामा ने लिखा है कि अपने चेहरे पर पर्दा करके रखते थे। ऐसा होता है, कोई मुश्किल नहीं। बाज़ इंसान इतने हसीन होते हैं, इतने हसीन होते हैं कि उनके हुस्न की वजह से बहुत सारे लोग अपना आपा फोड़ खो बैठते हैं। मैं आपको सुना दूं, जब बात आ गई, मुझे बात तो कुछ और करनी थी लेकिन किसी और तरफ निकल गई। अल्लाह ताला जो कहलवा दे तो मुज़ाकरा है, ये जो काम की बात अल्लाह कहलवा दे। हजरत यूसुफ रज़ी रहमत अलैहि सलातु वस्सलाम को औरतों ने देखा तो देखने के बाद में अपनी उंगलियां काट ली। उन औरतों के हाथ में चाकू था, हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम की खूबसूरती में इतनी मगन हुई वो औरतें कि वो खाना काटने की बजाय अपनी उंगलियों को तराश लिया और उनको तकलीफ दी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि यूसुफ मिस्र की औरतों ने यूसुफ मिस्र को देखा तो अपनी उंगलियां काट लेती, मेरे यूसुफ को देखती तो उन चाकुओं को अपने जिगर में उतार देती। ये फरमाया, नहीं मेरी बात समझ में आई, लेकिन ये बात हमें अजीब सी लगी कि इंसान को देखकर भी ऐसा होता है। हाँ ऐसा ही होता है। आप हैदराबाद अगर कभी जाना हो तो वहां जो सालार जंग म्यूजियम है, जहां बादशाह के जमाने की चीजें रखी हुई है, उस म्यूजियम में जाना। मैं गया हूं उस म्यूजियम में, जाने के बाद में वहां एक मुजस्मा है और वो मुजस्मा शीशे के अंदर बंद है। वो एक औरत का मुजस्मा है और उसको तराश संगमरमर का है। उसको तराशने वाले ने ऐसा तराशा है कि देखकर ऐसा लगता है कि घर की कोई नौकरानी है। वो सफेद कपड़े पहने हुई है, चेहरे के ऊपर उसके नकाब पड़ा हुआ है, वो पूरा बदन उसका पानी में भीग गया है, चेहरे पे नकाब है। तराशने वाले ने उसको ऐसा तराशा है कि देखने वाला चंद लम्हे के लिए उस मुजस्मे को देखता रह जाता है। लोग कहते हैं कि इसका एक मुजस्मा और है जो फ्रांस में रखा गया है, कलोपतरा का। कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी 5,000 साल पहले मिस्र के अंदर एक बहुत हसीन औरत हुई थी जिसको कलोपतरा कहा जाता है। लोगों ने उसको नहीं देखा लेकिन मुसव्विर ने उसकी एक ख्याली तस्वीर बनाई और उसका मुजस्मा फ्रांस में रखा। उस मुजस्मे को अब तक देखकर 650 लोगों ने खुदकुशी कर ली। उस मुजस्मे को देखकर 650 लोगों ने खुदकुशी कर ली, 650 लोगों ने। तो हमने तो हैदराबाद में वो मुजस्मा देखा जिसके पास में तकरीबन 7-8 हथियारबंद सिपाही, जिसको कमांडो बोलते हैं, वो मुजस्मे की हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। तो बहरहाल इतनी खूबसूरती हजरत दहियाए कलबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी कि वो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल करके रखते थे। तो बहरहाल मैं ये समझा रहा था कि वही दो तरह की होती है, एक कुरान करीम और हदीस शरीफ के अंदर फर्क यह है कि कुरान करीम के अल्फाज और मानी ये दोनों के दोनों अल्लाह की जानिब से आए, इसमें नबी ने कुछ नहीं किया, अल्लाह की जानिब से आए, नबी ने उम्मत को पहुंचाया। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, इसमें अल्फाज अल्लाह के रसूल के हैं लेकिन मानी अल्लाह के हैं, मानी अल्लाह के। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, किसी और की नहीं। तो अल्लाह ने रसूल को अपने साथ मिलाकर के ये बात फरमा दी कि जो मैं कहता हूं और जो रसूल कहते हैं दोनों की बात एक है, अलग अलग नहीं है। तो अल्लाह के रसूल अपनी जबान से या अपने अमल से या अपने इशारों से जो बात इरशाद फरमा दें वो अपनी बात नहीं होती, अल्लाह की बात होती है। और एक बात और मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, वही का काम शरी रहनुमाई होता है। अल्लाह की जानिब से जो अल्लाह का पैगाम आता है जिसको हम वही कहते हैं, इस वही का काम आखिरत की बात बताना होता है, दुनिया का कोई काम बताना नहीं होता।
वही का ये काम नहीं होता कि आपको मकान कैसे बनाना है ये नबी बनाए बताए, ऐसा नहीं होता। वही का ये काम नहीं है कि आप चावल का मील कैसे लगाएं, ये वही नहीं बताएगी। आप अपने घर की कुर्सी कैसे बनाना चाहते हैं ये वही नहीं बताएगी, वही का ये काम नहीं। पूरी सहाबा अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख में सिर्फ एक मौका ऐसा है कि वही दुनिया के काम के लिए नाजिल हुई, दो मरतबा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि हम तुम्हारी उम्मत को तबाह कर देंगे और तुम्हारे हाथ पर चंद लोग जो मुसलमान हुए हैं सिर्फ वही बचेंगे, उनके लिए तुम कश्ती बनाओ, अल्लाह ने फरमाया कि हम जैसी वही करेंगे वैसी कश्ती बनाना। अल्लाह ताला उनको बताते रहे इतनी लंबी इतनी चौड़ी उसमें इतने खाने, वो एक वाकया ऐसा है कि वही से दुनिया का कोई काम हुआ। और दूसरा मौका वो है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता फरमाया कि वो अगर लोहे को अपने हाथ में पकड़ लेते तो वो मोम बन जाता। अल्लाह ताला ने इस मौजज़े को अता करने के बाद अपनी वही के जरिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे की जीरा बनाना सिखाया, वो कुर्ता जिसको जन के अंदर पहना जाता है। बस ये दो वाक्य और कोई वाक्य नहीं। देखो दिलचस्प किस्सा सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो मदीना मुनव्वरा में आपने देखा कि वहाँ मक्का और मदीना के अंदर फ़र्क है। आप लोग जानते हैं कि मक्का मुकर्रमा के जो लोग थे वो ताजिर पेशा थे और मदीना मुनव्वरा के लोग किसान थे, अब बागात का काम करते थे, खेतियों का काम करते थे। तो वहाँ जितने खजूर के बागात थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो लोग ताबीर नकल करते हैं। ताबीर नकल का तरीका वो हमारे यहाँ भी होता है, उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जो खजूर के दरख्तों में मुजक्कर नर दरख्त है उसकी शाख ली जाती है और शाख लेकर के उसकी कलम बनाई जाती है, और जो मादा दरख्त है उसको की भी एक दरख्त की शाख लेकर के कलम बनाई जाती है, और दोनों की कलम को ऐसे जोड़ दिया जाता है जैसे मर्द और औरत को जोड़ दिया जाता है। लोग कहते हैं कि ऐसा करने से फल ज़्यादा आता है, एक तरीका। और दूसरा तरीका ये था कि जो मादा दरख्त है उसका फूल नर दरख्त के फूल पर रगड़ा जाता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बागात की तरफ निकल गए, आपने सहाबा को मुसलमानों को ये काम करते हुए देखा तो आपने पूछा कि भाई ये क्या है, क्या कर रहे हो? तो सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताबीर नकल का काम है, इसको ताबीर नकल बोलते हैं, और हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा करने की वजह से ज़्यादा फल आता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई फल देने वाली ज़ात तो एक ही है, ये करो या ना करो फल तो वही ज़ात देगी। आपने ज़ाब्ते की बात फरमाई, आपने उनको मना नहीं किया, लेकिन सहाबा तो अल्लाह के रसूल के इश्क में डूबे हुए थे ना। सहाबा ने देखा कि अल्लाह के रसूल को ये बात नागवार गुजरी, इसलिए अल्लाह के सहाबा ने उस काम को छोड़ दिया। आपको वो किस्सा मालूम है कि एक सहाबी सहाबा की जमात के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महल्ले से गुजरे तो देखा कि किला नुमा खड़ा है। आपने पूछा भाई किसका मकान है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल ये फुला आपके साथी का मकान है। आपने कुछ नागवारी का इजहार फरमाया, चुनांचे सहाबा ने तस्करा कर दिया कि भई आज तुम्हारे घर के पास से गुजरे, अल्लाह के रसूल ने तुम्हारा मकान देखा तो अल्लाह के रसूल को नागवारी हुई। कई महीनों के बाद फिर उधर से गुजरे तो अल्लाह के रसूल ने देखा भाई वो मकान यहाँ था कहाँ गया। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल उनको मालूम हो गया कि आपको नागवार गुजरा तो तोड़ फोड़ दिया। अच्छा हम होते तो जा करके कहते हजरत आपके कहने पर तोड़ा देखिए, कल को इलेक्शन में हमारी बात करना, नहीं समझे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया भी नहीं। तो जब सहाबा ने देखा कि ये बात अल्लाह के रसूल को नागवार गुजरी तो उन्होंने ताबीर नकल छोड़ दी। अल्लाह का करना देखो, जब फल आया तो फल बहुत कम आया। सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल आपने ताबीर नकल से मना फरमाया, हम तो ताबीर नकल करते थे, खूब फल आता था, लेकिन इस साल फल बहुत कम है। आपने जो फरमाया वो सुनने के लायक, अंतुम आलमु बी उमूरी दुनिया, भाई दुनिया के काम तुम जानो तुम्हें कैसे करना मुझे नहीं पता, मैं तो दीन की बात जानता। तो वही का काम दीन की बात बताना। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि सहाबा ने इस वही को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की। अच्छा इस जमाने में और सहाबा के जमाने में थोड़ा फर्क है। अब मौलवी अलग और दावत और तबलीग के लोग अलग, पहले तो कोई अलग थे ही नहीं।
जो दावत और तबलीग करते थे वही मौलवी होते थे, जो मौलवी होते थे वही दावत और तबलीग होते थे। सहाबा का जो मदरसा था अल्लाह के रसूल का, जिसको सुफ़ा कहा जाता है, वही बेचारे वहाँ पड़े रहते थे। जमात की ज़रूरत पड़ी उसी में से जमात भेज दी, जिहाद की ज़रूरत पड़ी उसी में से लड़ने के लिए भेज दिया, और रात दिन सबक तो चलते ही था। अब तो ये इतने कैटेगरी हो गई हैं, मुकर्रर मौलवी अलग, मुसन्निफ़ मौलवी अलग, मुफ्ती मौलवी अलग, दाई अलग, इतनी जमातें बन गई हैं। पहले कोई जमात नहीं होती थी, जो दाई होता था वो मौलवी, जो मौलवी होता था वो दाई, सब चीज़ें। तो सहाबा ने इस वही रब्बानी को हासिल करने के लिए क्या किया, वो सुनने के लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक मदरसा कायम हुआ जिसको सुफ़ा कहा जाता है। ये सुफ़ा जो मदरसा है, सुफ़ा के माना आते हैं चबूतरे के, चबूतरा बनाया था, वहीं तलबा बैठ करके पढ़ते थे। ये सुफ़ा मदरसा है कहाँ? आज अगर आप मदीना मुनव्वरा जाओ और अल्लाह के रसूल की मस्जिद में जाओ तो अल्लाह गुम्बद खदरा जिस कमरे पे बना हुआ है वो हजरत आयशा सिद्दीका का कमरा है। उसके ठीक पीछे एक कमरा और है। इस वक्त मस्जिद नबवी में सिर्फ दो ही कमरे बाकी हैं, सब ख़त्म हो गए। लोग कहते हैं कि पहला कमरा हजरत आयशा का और पीछे वाला कमरा हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। हजरत फातिमतु ज़हरा के कब्र का भी किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि उसी कमरे में दफन है, कुछ लोग कहते हैं कि जन्नतुल बकी के अंदर दफन है। चूंकि वो इतनी गैरतमंद औरत थी, उसने कहा था कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाया जाए। किसी को पता भी न चले कि फातिमा कितनी मोटी थी, कितनी बड़ी थी, कितनी पतली थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी कब्र का किसी को नहीं मालूम। जब वो शहीद हुए तो उन्होंने फरमाया कि इस पहाड़ की तरफ से एक ऊँट आएगा, मेरी नाश को उस पहाड़ पर, उस ऊँट पर रख देना। अल्लाह जाने वो ऊँट कहाँ लेकर के गया। तो बहरहाल उस हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के उसी कमरे के दरवाजे के सामने एक चबूतरा बना हुआ है। लोग कहते हैं कि वो चबूतरा असहाब सुफ़ा का है, लेकिन मुअर्रखीन ने उसका इनकार किया है। मुअर्रखीन ने इनकार किया है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से पांच सुतून गिनो। कितने? पांच सुतून। और पांच सुतून सीधे नहीं गिनने, पांच सुतून ऐसे, जब आप इमारत में सुतून होते हैं, ये सुतून, ये सुतून, ये सुतून, ये सुतून, तो यूँ भी गिने जा सकते हैं, टेढ़े भी गिना जा सकते हैं, यूँ भी। तो मुअर्रखीन ने लिखा है कि वहाँ अल्लाह के रसूल के मिंबर के करीब खड़े होकर के पांच सुतून गिनो टेढ़े करके, और जो जहाँ पांचवां सुतून ख़त्म होता है वो हिस्सा है असहाब सुफ़ा का, जहाँ मदरसा कायम था। ये तो बाद में जो ये जो सुफ़ा, ये जो बनाया गया है, ये असहाब सुफ़ा नहीं बल्कि एक वाक़िया पेश आया। वो वाक़िया ये पेश आया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो उस्ताद था और कमांडर और जो गवर्नर बल्कि बादशाह कहना चाहिए, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़माने में एक वाकया पेश आया। उन्होंने ख्वाब में देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, मुझे इनसे बचाओ, ये मेरी नाश को निकालना चाहते हैं। अल्लाह हज़रत नूरुद्दीन जंगी ने तीन दिन ख्वाब देखा, उसके बाद में वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। उन्होंने सोचा कि मैं उन दो लोगों को कैसे तलाश करूँ। उनके जहन में अल्लाह ताला ने एक तरकीब डाली, और वो तरकीब ये थी कि उन्होंने ऐलान करा दिया कि बादशाह वक्त तशरीफ़ लाए हैं और वो अहले मदीना के लिए हदिया लेकर आए, इसलिए तमाम मदीने के लोग हदिया लेने के लिए आए। लाइन लग गई। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ से सारे लोगों को हदिया देना शुरू किए। जब सारे लोग ख़त्म हो गए और वह सबके चेहरे को देखते थे, उनमें से कोई आदमी वो नज़र नहीं आया जो ख्वाब में देखा। तो नूरुद्दीन जंगी ने पूछा कि भाई अब मदीना मुनव्वरा में कोई बाकी है? लोगों ने कहा हजरत सब आ गए, लेकिन दो बहुत बड़े मौलवी हैं, वो घर से नहीं निकलते, हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं और किसी का ना कुछ खाते हैं, ना लेते हैं, ना पीते हैं। नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि हमें ऐसे नेक लोगों से तो मिलना है। चुनांचे घर पर गए, दस्तक दी, दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही आदमी दो बैठे हुए जिनसे अल्लाह के रसूल इशारा करके बैठे। अब हजरत नूरुद्दीन जंगी ने उस कमरे में देखा तो कहीं कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती। एक मोटा सा मुसल्ला बिछा हुआ है, तो उस पर तस्बीहा रखी हैं, कुरान रखा है। उन्होंने उस पर ज़ोर से जो पैर मारा तो देखा कि ये तो तहखाना है इसके नीचे। जब खोला गया तो वहाँ से एक सुरंग बनाई गई थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथहर तक बन जाती थी, और वहाँ से वो रोज़ाना खोलते थे, उसकी मिट्टी को भरते थे और जन्नतुल बकी में ला करके उसकी मिट्टी को छिड़क देते थे। और चंद ही दिन बाकी थे कि वो अल्लाह के रसूल की नाश को निकाल करके ले जाते।
नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों को कत्ल कर दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर के इर्द गिर्द सीसा पिघली हुई दीवार कायम कर दी बहुत नीचे तक, जिसको अब कोई नहीं खोज सकता। और इसको तामीर करने के बाद में ये चबूतरा बनाया जिस पर हर वक्त सिक्योरिटी रहती थी। ये वो चबूतरा है जिसको लोग वहाँ कहते हैं कि ये असहाबे सुफा का चबूतरा, वहाँ भीड़ लगी रहती है, मैं तो उस पर कभी नहीं गया, इतनी मरतबा हाजिरी में कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे मालूम है वो असहाबे सुफा का चबूतरा नहीं है। बहरहाल तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि यहाँ वो तलबा पढ़ने के लिए आते थे जिनका मदीना मुनव्वरा में कोई रिश्तेदार नहीं होता। मदीना मुनव्वरा में जो लोग आते थे पढ़ने के लिए, अगर मदीना मुनव्वरा में उनका कोई रिश्तेदार होता तो वो रिश्तेदारों के घर रहते थे और पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन मदीना मुनव्वरा में अगर कोई रिश्तेदार नहीं, कोई ताल्लुक वाला नहीं, तो वो असहाबे सुफा में शामिल हो जाता था। वो कितने थे, इनकी तादाद घटती और बढ़ती रहती थी। बाज़ उलमा ने 45 लिखी है, बाज़ उलमा ने 70 लिखी है, बाज़ उलमा ने 400 लिखी है, घटती बढ़ती रहती थी। जो तलबा, ये तलबा वही थे जो वही रब्बानी को सीखने के लिए आते थे, ये तलबा वही थे जो जमात के साथी थे, ये वही थे जो इस उम्मत के दाई थे, ये वही थे जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले थे। इन तमाम लोगों में वो तमाम तरसीफात थी। अब जरा इनके आवाज़ सुनिए कि इन्होंने वही रब्बानी को, अल्लाह के रसूल की हदीस को सीखने के लिए क्या क्या किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हमारी सूरत हाल ये थी कि हमें कुछ मिल जाता तो हम खा लेते, नहीं मिलता तो अल्लाह का नाम लेते। एक मरतबा क्या हुआ कि हम 7 लोग थे, अल्लाह के रसूल कई दिन से भूखे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए 7 ही खजूरें भेजी। कितनी? 7 आदमी 7 खजूरें। एक मरतबा फरमाते हैं कि कुछ खजूरें अल्लाह के रसूल ने भेजी, हम इतने भूखे थे कि उन खजूरों पर पिल पड़े। सबने तय किया कि भाई एक एक खजूर से काम नहीं चलेगा, 2-2 खजूरें ले लें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं इसी मदरसे का अदना तालिबिल्म था, एक मरतबा रास्ते से निकला अपने घर से आने के लिए, मस्जिद सुफा मदरसे सुफा में आने के लिए निकला, तो भूख का यालम था कि आंखों में अंधेरा आ जाता और मैं गिर जाता। लोग बच्चे महल्ले के खेलने वाले बच्चे कहते अबू हुरैरा मजनू हो गया, अबू हुरैरा पागल हो गया। अबू हुरैरा कहते मैं पागल नहीं हुआ। वो फरमाते जब मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल के सामने शरीद के 2 प्याले रखे हुए हैं और जो सुफा के पढ़ने वाले तलबा हैं अल्लाह के रसूल उनको खिला रहे हैं। मैं पीछे जाके बैठ गया और बार बार टांग बदल के चेहरा ऊपर करता कि मुझे भी देख ले, मैं भी भूखा हूँ, देख उस्ताद देख लेता ना, बुला लेता तू भी आ जाए। अल्लाह के रसूल ने नहीं बुलाया। जब सब खत्म हो गया तो दोनों प्यालों में जो थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था अल्लाह के रसूल ने उसको अपनी उंगली से समेटा और एक जमा किया। अबू हुरैरा फरमाते वो 1 लुक में से भी कम था। आपने फरमाया अबू हुरैरा बिस्मिल्लाह वकुल, अल्लाह का नाम ले और पढ़। फरमाते मैंने 1 लुकमा खाया, वो भी बच गया और पेट भर गया। नहीं समझे? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के मिंबर और हजरत आयशा के कमरे के बीच में मैं भूख की शिद्दत की वजह से बेहोश होकर भी गिर जाता था। लोग ये समझते थे जो नमाज पढ़ने आते थे अबू हुरैरा पागल हो गया। और उस जमाने में जिसको जुनून या पागलपन हो जाता था उसका इलाज ये होता था कि लोग उसकी गर्दन पर पैर रखते थे, तो जितने नमाजी होते थे वो हजरत अबू हुरैरा की गर्दन पर पैर रखते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तलबा को पढ़ने वालों को शाम के वक्त में सहाबा से कहते थे ये गरीब तलबा हैं, बताओ कौन अपने घर खाना खिलाएगा। अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते थे जिसके घर 2 का खाना बनाओ 1 को ले जाए, जिसके घर 4 का खाना बनाओ 1 को ले जाए, 7 का खाना बना हो 2 को ले जाए, और जो बचते अल्लाह के रसूल अपने साथ ले आते। कभी हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा दिया था रोज़ाना 80 तलबा को, उन 80 दावत और तबलीग के लोगों को अपने घर ला करके अपने साथ खाना खिलाते थे। एक अजीब बात यह हुई कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ भाई तलबा को अपने घर कौन लेके जाएगा। हजरत अबू बकर ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल 3 मुझे दे दो, इतनी गुंजाइश है भाई ले जाओ। हजरत अबू बकर ने उन 3 तलबा को अपने घर बिठाया और खुद अल्लाह के रसूल के यहाँ चले गए। अल्लाह के रसूल के घर तलबा थे 10, अल्लाह के रसूल ने उनको खाना खिलाया, अबू बकर भी वहीं खाना खा के बैठ के बातें करने लगे। जब बहुत रात गुजर गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आए और आने के बाद में देखा कि वो 3 तलबा बैठे हैं, उनको खाना नहीं खिलाया, खाना नहीं खाया। आपने अपनी बीवी से पूछा कि तुमने खाना नहीं क्यों नहीं खिलाया इनको। कहने लगी मैं खाना खिलाना चाहती थी, ये कहते हैं जब तक अबू बकर नहीं आएंगे हम उनके बगैर खाना नहीं खाएंगे, हम उनके बगैर खाना नहीं खाएंगे। हजरत अबू बकर को गुस्सा आ गया,
फरमाने लगे अल्लाह की कसम जो खाना बना इसमें से एक सीप नहीं खाऊंगा। हजरत अबू बकर की बीवी को गुस्सा आया, कहने लगी अल्लाह की कसम मैं भी नहीं खाऊंगी। वो तीन जो बैठे थे वो कैसे पीछे रहते, कहने लगे अल्लाह की कसम ये दोनों नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। तो अब सारे के सारे कसम खा करके बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को थोड़ी देर में गुस्सा कम हुआ तो सबने खाना खाया और कसम का कफारा दिया। ये हाल था, इस तरीके से उन्होंने दावत और तबलीग भी की, इस तरह से वही रब्बानी को भी उन्होंने समेटा और याद किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा था, तमाम सहाबा तो हर वक्त अल्लाह के रसूल की खिदमत में नहीं रह सकते थे, इसलिए हजरत अबू हजरत उमर का मकाम गांव में था। गांव में हजरत उमर और अबू बकर के दो दो मकाम थे, एक मस्जिद के करीब एक गांव में। हजरत उमर गांव वाले मकान में रहते थे, तो वो क्या करते थे, उनके जो पड़ोस में एक सहाबी थे उनके साथ उन्होंने मुआहदा कर दिया था, आज तुम अल्लाह के रसूल की खिदमत में रहो, सारी हदीसें सुनो, शाम को मुझे सुना देना, याद करा देना, और मैं तुम्हारा ऊंट भी चराऊंगा अपना ऊंट भी चराऊंगा, कल तो तुम चराने चले जाना, मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में रहूंगा, मैं अल्लाह के रसूल की हदीसें याद करूंगा और शाम को तुम्हें याद करा दूंगा। इस तरह से सहाबा का काम करता था। देखो भाई, मैं एक अहम बात अर्ज करना चाहता हूँ जिसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, 50 पे वक्त खत्म होगा, जरा इसको समझो। अब मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि सहाबा इकराम ने हदीस को हासिल करने में और बयान करने में कितनी एहतियात से काम लिया, आप इसको समझो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद में बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, लेकिन सहाबी किसी रिवायत को किसी सहाबी से सुनता और उसको ये मालूम होता कि इस सहाबी ने अल्लाह के रसूल से रिवायत नहीं सुनी है, ये हदीस सुनने वाला कोई और सहाबी है, तो बराह रास्त उससे रिवायत को सुनने के लिए जाता था। अभी नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में है, बड़े सहाबी हैं, मदीना मुनव्वरा में थे। उन्होंने एक हदीस सुनी, उन्होंने पूछा कि साहब लोगों से पूछा कि जो तुम ये हदीस बयान कर रहे हो ये तुमने अल्लाह के रसूल से सुनी? वो कहने लगे नहीं, हमने नहीं सुनी है, ये हदीस उकबा इब्ने आमिर ने सुनी है जो मुल्क शाम के अंदर, मदीना मुनव्वरा में, और वो कहाँ? मुल्क शाम में। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन ऊँट मंगाया, ऊँट पर बैठे और एक महीने का सफर किया। कितना? एक महीने का। उनके दरवाजे पर गए, दरवाजे पर जाने के बाद में दस्तक दी, खादिम आया, खादिम आने के बाद में फरमाया कि कह देना जाबिर आया है मदीना मुनव्वरा। उकबा इब्ने आमिर को खबर दी गई कि कोई आदमी आया जो अपने आप को जाबिर कहता है। कहने लगे जाबिर इब्ने अब्दुल्ला? कि हाँ जाबिर इब्ने अब्दुल्ला। फौरन आए, दौड़कर उकबा इब्ने आमिर हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला को लिपट गए। फरमाया कैसे आना हुआ? कहने लगे मैंने सुना है कि ये हदीस आपने अल्लाह के रसूल से सुनी है, मैं आपसे वही अल्फाज सुनना चाहता हूं जो अल्लाह के रसूल ने सुना है। आप इसको समझे। उन्होंने फिर वो अल्फाज सुनाए, वापस आ गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े सहाबी हैं आप लोग जानते हैं, अल्लाह के रसूल की वफात के बाद में अल्लाह के रसूल से उन्होंने एक बात सुनी थी और इत्तेफाक की बात कि वो बात हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने जब सुनी तो एक सहाबी और बैठे थे, दो आदमी थे ये। इत्तेफाक की बात का अल्लाह के रसूल की वफात के बाद में अल्लाह के रसूल से जो अल्फाज सुने थे उन अल्फाज के अंदर शक हो गया, उन अल्फाज के अंदर क्या हो गया? शक हो गया कि अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज फरमाया। उन्होंने मालूम किया मदीना मुनव्वरा में कि इस रिवायत को अल्लाह के रसूल से किस किस ने सुना है। लोगों ने बताया कि तुम्हारे साथ फुला जैद इब्न उयना ने इस रिवायत को सुना और वो मिस्र के अंदर है। हजरत आपको हैरत होगी मौलाना साहब, हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फौरन ऊंट मंगवाया और मिस्र निकल के एक डेढ़ महीने का सफर करके उस सहाबी के दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहा कि उस तारीख में फला दिन तुम और मैं साथ में थे, अल्लाह के रसूल से एक हदीस सुनी थी, मैं मुझे थोड़ा अल्फाज में शक होने लगा, वो रिवायत सुना। उन सहाबी ने वो हदीस सुनाई और इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि रिवायत सुनने के बाद फौरन ऊंट पर बैठ गए। वो कहने लगे अरे चाय पी के तो जा, पानी पी के जो जा। कहने लगे मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, अल्लाह के रसूल के हदीस के अल्फाज को सुनने के लिए आया। अब मेरी बात सुनो, ये अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु उनका हाल, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाल तो ये था कि देखो बात यह है, अबू बकर के जमाने में सारे लोग अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल थे, कोई नया फिरका पैदा नहीं हुआ। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कोई फिरका पैदा नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ये उमर इस्लाम का दरवाजा है, ये दरवाजा तोड़ा जाएगा फिर फितने शुरू होंगे।
चुनांचे उस्मान गनी के ज़माने में जब हज़रत उस्मान की शहादत हुई तो लोग फितने नए नए फिरके पैदा होने लगे और लोगों ने गंदी और सही और बुरी हदीसों की रिवायत करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने मकसद के तहत रिवायात को शुरू कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाल यह था कि अगर कोई हजरत अली के सामने अल्लाह के रसूल की हदीस बयान करते तो उससे अल्लाह की कसम खिलवाते कि तूने ये अल्लाह के रसूल से सुनी है नहीं सुनी। सारा इतने मोहताज नहीं समझे, इतने मोहताज। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको सुनाता हूँ, मैं इसको समेटना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने इतनी मेहनत करी और बाद में भी, और यही काम मुहद्दिसीन ने किया, मुहद्दिसीन ने इन हदीस को याद किया। और मौलाना साहब मैं आपको हैरत की बात बताऊं, वक्त नहीं है आपको, मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर बताता हूं कि अगर कोई मुहद्दिस जवानी के अंदर हदीस को बयान करता था और 50-60 साल के बाद में उसका हाफजा बिगड़ गया, जैसे बूढ़े लोगों का हाफजा बिगड़ जाता है, तो मुहद्दिसीन ने किताब में लिख दिया कि फुला मुहद्दिस की वो हदीस है जो 50 साल से पहले उसने बयान की, उस हदीस को कबूल किया जाए, और 60 साल की उम्र के बाद में जो हदीस उन्होंने बयान की है वो गैर मोतबर है, उसको कबूल न किया जाए। अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन से इतना काम लिया। हजरत इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र के अंदर अंधे हो गए थे, नजर नहीं आता था। अपने खादिम के साथ में एक इलाके से गुजर रहे थे, अंधे थे, रास्ते में जाते जाते अचानक सर को नीचे किया, जैसे आदमी दरख्त के नीचे से होकर के जाता है। उनके खादिम ने कहा कि हजरत यहाँ तो कोई दरख्त नहीं है, आपने अपने सर को नीचे क्यों किया? तो हजरत इमाम तिर्मिजी ने फरमाया कि 40 साल पहले मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ, यहाँ एक दरख्त था, लोगों से मालूम करो। जब लोगों से मालूम किया गया तो 40 साल पहले उस जगह दरख्त था। इमाम तिर्मिजी को इतना याद रहा, नहीं बात समझे? तो अब इससे एक बात समझ में आई, ये देखो सहाबा इकराम इतनी अच्छा। अब इसको दूसरी तरह समझो, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए, ये बिल्कुल आखिर में ईमान लाए, ग़ज़वे खैबर के मौके पर 4 या 5 साल अल्लाह के रसूल के साथ रहना नसीब हुआ। और हजरत अबू बकर और उमर का हाल ये है, हजरत अली और हजरत उस्मान गनी का हाल यह है कि मक्का मुकर्रमा से ही अल्लाह के रसूल के साथ थे। अब मुझे एक बात बताओ सच्ची सच्ची, जो आदमी 23 साल अल्लाह के रसूल की खिदमत में रहा उसको अल्लाह के रसूल की ज्यादा हदीसें याद होनी चाहिए या 4 साल रहा उसको ज्यादा याद होनी चाहिए? अरे बोलो, 23 साल। लेकिन हैरत होगी कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, इन चारों में से सिर्फ हजरत अली को 500 रिवायात बयान की हैं, और इन तीनों ने तो इतनी हदीसें भी बयान नहीं की। हजरत अबू हुरैरा जो 4 साल और 5 साल है, उनकी 5,313 रिवायात है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार सहाबा ने रिवायत क्यों नहीं की? हजरत उमर जो पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल के साथ रहे, अबू बकर अल्लाह के रसूल के साथ रहे, उन्होंने इतनी अहादीस क्यों छुपा ली, क्यों बयान नहीं की? असल में अल्लाह के रसूल ने एक बात इरशाद फरमाई थी, मन कदब अलैय मुतअम्मिदन फमक़अदुहु मिनन नार औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुमने मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूख कर दी, अगर तुमने मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूख कर दी और तुमने ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी बात बयान करी है और मैंने अगर बयान नहीं की तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम। सहाबा फौरन सतर्क हो गए और उन्होंने रिवायात को बयान करना छोड़ दिया। डर लगता था मौलाना साहब, डर लगता था, उन्होंने रिवायात को बयान करना छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जबान से कोई ऐसी बात निकल जाए, कोई ऐसी बात निकल जाए जो अल्लाह के रसूल ने ना फरमाई हो, अल्लाह के रसूल की तरफ निस्बत हो जाए और उस निस्बत से हम जहन्नम के इधर मिल जाए। अब इससे आपको एक बात समझ में आई कि हमें हदीस बयान करने में दिलेर होना चाहिए या मुहतात होना चाहिए? अरे बोलो, मुहतात होना चाहिए। जब तक अच्छा एक बात और सुन लीजिए कि जाहिर बात है कि सारी अहादीस अरबी जबान में है, हम लोग उसको उर्दू जबान में बयान करते हैं, इसको कहते हैं रिवायत बिल माना। अरबी जबान से उर्दू जबान में बयान करना, इसको रिवायत बिल माना कहते हैं। मैं बताऊँ आपको, उलमा के दो तबके हैं, इब सुफियान इब्न उईना और एक रिवायत के मुताबिक इमाम मालिक, ये बड़े बड़े उलामा ये कहते हैं, ये बड़े बड़े उलामा ये कहते हैं कि दूसरी जबान में रिवायत बिल माना करना जायज नहीं। लेकिन हनफिया के नजदीक और हमारे उलामा के नजदीक रिवायत बिल माना जायज है, दूसरी अरबी जबान की अहादीस को अपनी जबान में नकल करना जायज है, लेकिन चंद शर्तों के साथ।
मसलन एक शर्त यह है कि जो आदमी वो अरबी जबान की हदीस को उर्दू में बयान कर रहा है, पहली शर्त यह है कि वो अरबी जबान से पूरी तरह वाकिफ होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तर्जुमा करने में गलती हो जाए। नंबर दो, अल्फाज के मानी से पूरी तरह वाकिफ होना चाहिए। नंबर तीन, अल्फाज के दरमियान में फर्क करने वाला हो, एक ही लफ्ज के दो माना उसको फर्क करने वाला हो। टांडे में एक मौलाना साहब का एक्सीडेंट हो गया, उनकी गाड़ी पलट गई, कई साल पहले की बात। उनके माशाल्लाह कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन सीने में हल्के सी दर्द था। उलामा गए, मैं भी गया, सब लोग देखने के लिए गए। तो जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत सारे उलामा वहां बैठे हुए थे। मुझसे एक साहब ने पूछा कि आप कैसे आए। मैंने कहा कि मैं इयादत करने के लिए आया हूं। मैंने लफ्ज बोला कि मैं क्या करने के लिए आया हूं, इयादत। तो जो पहले से मौलाना साहब बैठे थे वो कहने लगे, नहीं इयादत लफ्ज मत बोलो, मिजाज कुर्सी करने के लिए आए ये लफ्ज बोलो। अब देखो इयादत भी उसी माना में है, मिजाज कुर्सी भी उसी माना में। मैंने फौरन कहा कि यह लफ्ज इयादत इस्तेमाल होगा इसलिए कि इनके सीने के अंदर तकलीफ है। तो जितने उलमा कहने लगे वो फौरन कहने लगे, हाँ ये लफ्ज सही इस्तेमाल किया। मिजाज कुर्सी वहां इस्तेमाल होती है जहां बदन में कहीं तकलीफ ना, वहां लफ्ज होता है मिजाज कुर्सी का। और बदन में कहीं चोट लगी हुई है, बदन में कहीं तकलीफ है, तो वहां लफ्ज इस्तेमाल होगा यादत का। तो अरबी जबान का जानने वाला, अल्फाज का जानने वाला हो, अल्फाज के दरमियान में फर्क करने वाला हो, और हदीस के पस मंजर ना बदल जाए, इतनी शर्तों के साथ में उर्दू जबान के अंदर हदीस को करने की इजाजत है, वरना तो हराम है। कुरान करीम ने क्या फरमाया, अनअमत अलैहिम, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तूने हम पर इनाम किया। अगर इस अनअमता को अनअमतु पढ़ दें तो तर्जुमा क्या होगा कि मैंने हमको इनाम किया। अल्लाह कहता है कि अनअमत अलैहिम, ए अल्लाह तूने इनाम किया, और अनअमतु पढ़ के तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा होगा कि हमने इनाम किया। तो बारहाल अहादीस को बयान करने में मोहतात होना चाहिए। अब देखो ये मैंने बात क्यों छेड़ी है, इसको भी समझने की जरूरत है। जो सऊदी अरबिया ने जो बात मशहूर चल रही है कि तबलीगी जमात के ऊपर बैन लगाया है, ये सारी दुनिया में बात फैल गई है, और अब मुख्तलिफ मजामीन आ रहे हैं। मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूर कराना चाहता हूँ। हर जगह मुखालिफ है तबलीगी जमात को, कितने लोग चाहते हैं कि ये मिट जाए, जमात बंद हो जाए। मौलाना रोजाना मुकाबला होता है हम लोगों का, रोजाना हम कहते हैं कि तबलीगी जमात से मुफीद अगर कोई दुनिया के अंदर जमात है तो लेकर के आओ। ये दुनिया में वही एक जमात है जो उन घरों तक पहुंची, उन लोगों तक पहुंची जिनसे लोग बात करना नहीं चाहते थे, उन शराबी और जुआरियों के थोड़ियों में हाथ डालकर इन अल्लाह के बंदों ने और दाइयों ने उनको नमाजी और जमाती बना दिया। ऐसा कौन सा इदारे वाला या कौन सी जमाते हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी तहरीकें चली लेकिन फेल हो गए। तो आजकल जो एतराज आ रहे हैं, मैं उसके मैंने मौजू छोड़ा। देखो तीन एतराज सऊदी ने कायम किए हैं। नंबर एक, ये जो है जमात वाले दहशतगर्द हैं। बताओ, हम तो अमन अमान की बात करने वाले लोग हैं, हमें तो कोई मार के मस्जिद से भगा दे तबाह जाते हैं, कोई मस्जिद हमसे धुलवा ले हम वहां भी कुछ नहीं कहते, हम तो अल्लाह रसूल की बात करने वाले हैं। तो ये सवाल तो एतराज ऐसा है कि इसके जवाब की जरूरत नहीं, जो भी तबलीगी जमात को देखेगा वो खुद ही जवाब मिल जाए। नंबर दो, वो ये कहते हैं कि तबलीगी जमात जो है कब्र परस्त है, कब्रों को पूछती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी नहीं है, हम लोग तो शिर्क व बिदअत के खिलाफ हैं, लोगों को ईमान की दावत देते हैं, सुन्नत की दावत देते हैं, इसलिए इस जवाब की जरूरत नहीं। तीसरी एक बात, जो सऊदी उलमा ने जो सख्त मुखालिफ है जमात के, उन्होंने कुछ लोगों की तहरीरें, कुछ लोगों की, आजकल असल में जो मोबाइल है ना मौलाना साहब, बड़ी आफत का है। आप कुछ भी बोलो आपका वीडियो बना दिया, आपकी आवाज रिकॉर्डिंग कर ली, तो वो फैलाई है। उसमें क्या है, उसमें गलतियां हुई हैं कुछ लोगों से। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं बहुत ही साफ दिल के साथ और आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि हम लोग जब जमात में जाएं, अपने मैं उसमें सबसे पहले मैं शरीक हूं, अपने महल्ले में गश्त वाली दिन हम बयान करें, तो मेरे भाई उसका तरीका ये है कि आप फजाइल आमाल ले लीजिए। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें ऐसा काम कर दिया जो कई सौ साल तक वो काम नहीं हो सकता। उस हदीस के तर्जुमे को अच्छी तरह याद करो, बिल्कुल अच्छी तरह, और तब लोगों के सामने वो बयान करो। अल्लाह जो भी आपको बयान करना हो, मसलन आपको पांच मिनट अगर अपने महल्ले के लोगों के साथ बोलना है तो तीन हदीस, चार हदीस, पांच हदीस, अगर आप अरबी अल्फाज इस्तेमाल याद नहीं कर सकते तो उस हदीस का अच्छी तरह तर्जुमा याद करो।
देखो मैंने बता दिया, अगर अल्लाह ना करे हम लोगों से हदीस बयान करने में गलती हो गई, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फमक़दूहु मिनन नार, अगर किसी ने झूठी निस्बत मेरी तरफ कर दी तो उसका ठिकाना क्या है, जहन्नम है। तो हम सबको उलमा को भी और दावत और तबलीग में तकरीर करने वाले को भी मुहतात होना चाहिए। और उसका एक दूसरा तरीका और भी है, आजकल हमारे यहाँ पता नहीं हम अपनी मस्जिद में देखते हैं कि फजाइल अमाल की वही कम कर दी लोगों ने। पहले लोग इसकी तालीम बहुत करते थे, आधा आधा घंटा पौन पौन घंटा करते थे, मैं ईशा की नमाज के बाद में वितर पढ़ के तस्बीह पढ़ता हूँ, उससे पहले ही वो तालीम करके फारिग हो जाते हैं। उनसे मैंने कई मरतबा कहा भाई अभी तो मैंने तस्बीह फातिमा ही पढ़ी है और तुम लोगों ने तालीम बंद कर दी, कम से कम 15-20 मिनट तो तालीम होनी चाहिए। और जो तालीम आप करेंगे और सामने वाला तवज्जो से सुनेगा तो खुद बताओ कि रोजाना मुसलसल सुनने से कुछ हदीसें याद हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, खुद ही याद हो जाएंगी। तो हमें हदीस के सिलसिले में मुहतात होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दावत और तबलीग को बचाना इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। आपको मालूम नहीं इस जमात पर कैसी अलवार हो रही है, लोग कैसे कैसे फतवे दे रहे हैं इसके सिलसिले में। आप जरा यूट्यूब पर खोल करके देखो, लोग ऐसे खुल करके इसकी मुखालफत में दलाइल दे रहे हैं। अल अमान वल हफीज, इसको बचाना, इसके नफे को बचाना तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें हदीस बयान करने में, अल्लाह के रसूल की सीरत बयान करने में हमें मुहतात फरमाए और हमें हिदायत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो भी होनी है तस्वीर। हाँ भाई नाम बोलो, 4 महीने वाले बोलो भाई, 4 महीने वाले। माशाल्लाह ये कई महीने से लिखवा रहे हैं, अभी गए नहीं शायद। वक्त तंगी है, मगरिब और ईशा के दरमियान वक्त बहुत कम है, नमाज का ईशा का वक्त आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए वक्त तंगी की वजह से बयान भी कम हुआ। चलिए इंशाल्लाह हयातुस सहाबा।